वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरसिमरन सिंह लैके हाजिर हाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियाँ इस हफ्ते दियाँ कुछ खास सरगर्मियाँ गूंजा सिख विरसे दियाँ। उन्नीस सौ चौरासी सिख कतलेआम विच सज्जन कुमार नू जमानत देण अते सिख पंथ नाल जुड़े अनेक मसलियां ते दिल्ली कमेटी दे एक वफद वलों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात कीती। इस मुलाकात तो बाद अमित शाह वलों हर मसले ते सहयोग देण दा भरोसा भी दिता। तखत श्री हजूर साहिब दे नव नियुक्त मैनेजर डॉक्टर विजय सतबीर सिंह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर विच पहुँचे, जिथे उन्हां नू विशेष तौर पर सिरोपाओ नाल सन्मानित किया। सिख धर्म नाल जुड़े वधेरे मसलियां ते दिल्ली कमेटी दे नाल चर्चा भी की। पूरे देश चो अखंड कीर्तनी जत्थे दी 11 मैंबरी कमेटी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर पहुँची, जिथे उन्हां नू विशेष तौर पर सन्मानित किया। अते दिल्ली कमेटी नाल मुलाकात कर हर साल की तरह होने वाले कीर्तन समागम ते भी चर्चा की। आओ फतेह दी सांझ करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा। बहुत ही सत्कार जो 11 मैंबरी कमेटी के सारे सिख अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर पहुंचे। सब तो पहला तो मैं उन्होंने जी आया भी कहना धनवाद भी करता है कि सानू उन्होंने दर्शन करने का मौका मिले। और ये लंबे समय तो जो फैसला रुकया होया सी, जो संगत ने देशों विदेशों को संगत ने मिल के हर साल की तरह समागम करने सन, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। दास दे ग्रह विखे भी कई बार मीटिंग हुई, संगत आए दफ्तर दे विच भी कई मीटिंग हुई, पर कोई फैसला जिहड़ा नहीं हो पा रहा। अज मैं समझदा कि बहुत ही सुभागा दिन है कि गुरु साहब ने कृपा की है, बख्शिश की है कि ये जो सिखा ने आके जो भी क्लैरिफिकेशन सी वो हुई है। और ये फैसला होया है कि समागम हर साल की तरह इतिहासक गुरुद्वारा साहब के विच ते करोल बाग जो स्कूल के विच समागम होंगे उस तरह होंगे। केवल प्रबंधक नू प्रबंध नू चलाउण दे लई जो सर्वसम्मति दे नाल सारयां दी सहमति दे नाल 6 मैंबरी कमेटी बनी है जो कि उस प्रबंध नू चलाउंगे, और उसकी देखरेख 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी को करेगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। जिस तरह के साडे सरकार जो प्रधान साहब ने उन्हें साझ पाई है, जो सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आप संगतां वालों लगाई जाएगी, वो तो खिड़े मत्थे असी सारे साढ़े सारे मैंबर साहब साढ़े सारा स्टाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सारे समागमों के अपना योगदान पाएगा। और जिस तरह पहले चढ़ती कला वाले समागम होंगे सन, उस तरह ही चढ़ती कला के नाल सारे समागम होंगे, सारी संगत मिल के ये समागम जड़े करेगी। वेला हो गया है एक छोटी जी ब्रेक का, जल्द हाजिर होने हैं छोटी जी ब्रेक तो बाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन पंच प्यारिया की अगवाई अते गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया हेठ गुरद्वारा भाई लालो जी राणी बाग विखे सजाया गया, जिथे
दिल्ली कमेटी प्रधान अते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालो वालों भी शिरकत की। गुरु रूप सवारी सात संगत जी फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला था धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े की समूह संगतान लख लख बधाई। धनता दे योग संगत जेडे गुरु महाराज का यह आगमन पुरब तुसी इन्नी श्रद्धा के नाल मना रहे हो और हुण इस गुरद्वारा साहब तो नगर कीर्तन के रूप के पूरे इलाके दे विच महाराज की सवारी ने जिस तरीके दे नाल जाना है, अदब जिहड़ा सानू गुरु महाराज ने आप दसिया और इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जद कीती ते उद्देश पूरी दुनिया के जिहड़ी गल हुणे सरदार जगदीप सिंह जी ने कीती कि सांझी वार्ता की गल कीती और ये उस उपदेश नूं असी घर घर तक पहुँचाने का जिहड़ा उद्देश फड़िया ये बहुत वड्डा एक काम है। जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना हुई, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पहला ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी नूं थापिया और बाबा बुढ़ा जी नूं ये हुक्म और कहा कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ। अदब सैद ग्रंथ जब खोला बुढ़ा साहिब तब मुख बोला संता के कारज आप खलोया हर कम करावण आया रहा। यह पहला मुखवाक जिहड़ा उस वक्त लिया गया और यह जिहड़ी प्रथा चलती आई कि हर मुखवाक जिहड़ा सवेरे अमृत वेले गुरु घर च लिया जाता है लोग उस नूं अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और ऐसी प्रथा नूं अज हर तरीके दे नाल हर गुरुद्वारे दे विच मनाया जाता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने धर्म प्रचार के विंग के माध्यम तो वक् वक् समय के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रचार प्रसार को लैके जो उपराले कर रही है और बहुत बड़ा योगदान साढ़े दिल्ली दियाँ वक् वक् इसत्री सत्संग बीबिया और मैं खास तौर पर कहांगा कि इतने साढ़े बहुत ही सत्कार योग माता बेअंत कौर जी बैठे है जिन्हें हमेशा साढ़े सिरों पर हमेशा थापड़ा रखे और इन्हां दे दसे हुए मार्ग ते असीं नाल चल रहे हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी सेवा है सानू सारयां नू करनी चाहीदी है। अज दे कमेटी अते विशेष तौर दे उत्ते नौजवानां वल्लों जो ये उपराला कीता गया धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे इस समागम रखे गए आ, मैं वधाई देना आप समूह सत संगत नूं क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं है वह निगुरा है तो निगुरे की कोई मैं समझदा कोई पहचान नहीं। अज हर एक सिख धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के अपना सीस झुकाउंदा है, नतमस्तक हुंदा है और धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो बाणी है उस नूं अपने हिरदे के वसा के उस दे उत्ते अमल करके अपना जीवन बतीत करता है। गुरु साहब ने बहुत बख्शिशा कीतियां अपने सिखां दे उत्ते, बहुत रहमतां कीतियां कि गुरबाणी दे लड़ लाया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिथे इस विच छे गुरु साहिबानां दी बाणी दर्ज है उत्थे नाल ही 15 भगतां दी, 11 पट्टां दी अते 4 गुरु दे सिखां दी बाणी है और ये संदेश मिलता है ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा। ये कृपा गुरु साहब ने अपने सिखां दे उत्ते कीती है कि जात पात ऊंच नीच का फर्क मिटा के सारयां नूं एक
खंडे बाटे का अमृत छका के और बराबरता का संदेश दिता है। गुरु नानक साहब जी की यह बहुत डूंगी सोच कि उन्होंने जो बाणी उच्चारण की उसनू कलमबंद कराया और फिर उस तो बाद लगातार गुरु साहबान ने जो भी बाणी उन्होंने मुख तो उच्चारण की उसनू पोथी के रूप के संभाल के गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आदि ग्रंथ साहब जी का बाणी करके हरिमंदर साहब सचखंड श्री दरबार साहब विखे पहला प्रकाश आदि ग्रंथ साहब का करवाया। गुरु प्यारी सत संगत जी, अज असी बेशक दुनियावी तौर के उत्ते बहुत सारे कम्मां धंदां दे विच लगे हाँ, बहुत सारी अपने अपने परिवार नूं पालन का कम कर रहे हैं, लेकिन साडा जो मकसद है, जो मंतव है जीवन का, वह कदी सानू नहीं भुलना चाहिए। मकसद की है कि गुरु दे लड़ लगीए, गुरु वाले बनीए, और जो गुरु ने सानू हुक्म किया है, गुरु ने जो सानू समझाना किया है, उस दे उत्ते पैरा दईए। सब तो पहली गल है कि अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू खंडे बाटे की पौल की दात बख्शी है। सब तो पहला अमृत छक के तैयार बर तैयार सिंह बन के गुरु दे उस हुक्म का पालना करिए। फिर हर एक सिख नू हुक्म है कि आपां नितनेम दी बाणी पढ़िए, अमृत वेले उठ के बाणी गायन करके बाणी सरवण करके अपना जो दिन की शुरुआत है वह गुरु तो सीध लै के करिए। फिर संध्या के टाइम के उत्ते हुक्म है कि संध्या के टाइम के उत्ते रहरा साहब जी का पाठ, सौण तो पहला सोला साहब जी का पाठ, ये सारी गुरु साहब की हुक्म है सिखा नू। सुरजेवियां दे विचों समा कढ़ के जिन्ना समा मिले आपां जरूर, जिथे आपां अपने कमाई का नेक कमाई का दसवंध कढ़ना है उत्थे नाल ही अपने समय का भी दसवंध कढ़ के और वो जिहड़ा समा है वो गुरु दे लेखे लाउणा है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे व्याह पुरब नू समर्पित एक विशाल व्याह पुरब समागम दिल्ली दे गुरद्वारा सिंह सभा साहिब गोविंदपुरी विखे करवाया गया, जिथे दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका वालों भी शिरकत की गई। वेला हो गया है एक छोटी जी ब्रेक का, जल्द हाजिर होने छोटी जी ब्रेक तो बाद। न्यू जर्सी तो सरदार सकलदीप सिंह वालों दिल्ली कमेटी नूं $35,000 दा दान किया गया। दिल्ली कमेटी वालों किए जा रहे कार्यों में अपना योगदान पाने लई दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ने सकलदीप सिंह अते उन्हां दा परिवार दा धन्नवाद किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी खुशी की गल है कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरु घर के उत्ते भरोसा रखते हुए साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार सकलदीप सिंह जी जिहड़े न्यू जर्सी च रहिंदे आ, इन्हां दी भावना और श्रद्धा गुरु घर दे नाल इन्नी है कि अज स्पैशल ये गुरद्वारा साहब आए और इन्होंने तकरीबन $35,000 का ये चैक गुरद्वारा कमेटी नूं दिता। लंगर की सेवा वास्ते, एजुकेशन की सेवा वास्ते, जिथे भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोड़वंदा की सेवा करती है, क्योंकि इन्हां दे दिल दे विच विश्वास गुरु घर के प्रति और इन्हां दे सत्कारयोग जिहड़े धर्म पत्नी सी उन्हां दी चाह सी कि यह गुरु घर के विच सेवा की जाए। ये $35,000 तकरीबन 29 लाख रुपया बनता और इन्होंने जो अज प्रबंधकों से विश्वास रखते हुए गुरु घर से विश्वास रखते हुए जो सेवा की है, मैं इन्हों का तय दिलों धन्यवाद करता। स्पैशल न्यू जर्सी तो आया और नाल धन्यवाद करते हैं सरदार परमजीत सिंह जी खुराना जी जिहड़े साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर ने और सारे अच्छे कम्मां दे विच हमेशा अगे वध चढ़ के काम करते हैं। इन्होंने इन्हों प्रेरित किया और इतने गुरु घर के विच लैके आए हैं, सो मैं जिथे इन्हों का धन्यवाद करता।
समुची संगतां दा वी धन्नवाद करदा कि जिस हिसाब नाल तुसीं विश्वास रख्या होया गुरद्वारा कमेटी ते और जिस पारदर्शिता दे नाल जो गुरद्वारा कमेटी काम कर रही है इस गल दी हमेशा हमेशा सुनिश्चित बनांदे आ कि तुहाडे दित्ते होए एक एक पैसा दसवंत दा ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਸਕ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ